आगे बढ़े और आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान ने सियासी मुखालफीन को मुनाफिक करार दे दिया। मोमिन खसूसी ने इल्जाम लगाया कि ऑपोजिशन का दिल और नीयत दोनों साफ नहीं है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ऑपोजिशन का दिल और नीयत साफ नहीं और वो हर पल चाहती है कि वजीर आजम इमरान खान नाकाम हो। उन्होंने मशवरा दिया कि मुखालफीन सियासी मुनाफ़त कर सकते हैं। वजीर आजम की मौन खसूसी बरए इतलात और नशरियात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी रबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ऑपोजिशन एक तरफ लॉकडाउन से फरार जबकि दूसरी तरफ इसका इसरार कर रही है। उन्होंने अपने पैगाम में नाम लिए बगैर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नैब बुलाए तो समाजी फासलों की परवाह आड़े आ जाती है और दूसरी जानब लापरवाही की जा रही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान कोरोना से लड़ रही है और मुस्लिम लीग नून इमरान खान और नैब पर बरस रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने हिम्मत और जिद्दोजहद मुसलसल सिनाकदीन को हमेशा गलत साबित किया है।